हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु टीचिंग एग्जाम्स। मैं प्रमोद सिंह वजदार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपको बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट पे आपके यहां बात करने के लिए आया हुआ हूं, क्योंकि विद्यार्थियों में अक्सर देखा गया है कि कंफ्यूजन रहता है लैंग्वेज वन के रूप में कौन सी लैंग्वेज को चुनाव करें या लैंग्वेज टू में कौन सी भाषा का चयन करें। लैंग्वेज वन में उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं इंग्लिश के साथ जाऊँ या हिंदी के साथ जाऊँ या संस्कृत के साथ जाऊँ। सेम कंडीशन वो सोचते हैं कि लैंग्वेज टू में किसके साथ जाएँ, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं। तो यहां पर आप देखिए, लैंग्वेज वन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज वन की अगर हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज वन में आप हिंदी ले सकते हैं, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और आप संस्कृत भी ले सकते हैं। और अगर यहां पर हम बात करें तो कोई अदर लैंग्वेज भी हो सकती है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे तमिल है या उर्दू है, वॉट एवर इट इज। तो यहां पर कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज वन में आपको वो भाषा लेनी चाहिए जिस पर आपकी टोटल कमांड हो, जिसको आप बड़ी अच्छी तरीके से समझते आए हो, जिसमें आपको समझने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, यानी आपने जो एजुकेशन ली है वो हमेशा इंग्लिश मीडियम से ली है और आप ज्यादातर इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं और इंग्लिश की बातों को आप समझ लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि लैंग्वेज वन के रूप में फिर आप इंग्लिश का ही चयन करें, हिंदी का चयन ना करें। क्लियर? लैंग्वेज वन में इंग्लिश का चयन करना है फिर आपको। लेकिन अगर आपको इंग्लिश कन्वीनियंट नहीं लगती है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कहीं पर अगर इंग्लिश लिखी हुई है उसको नहीं समझ पाते हैं, तो यानी ग्रामर आपकी भले ही अच्छी है लेकिन आप कम्युनिकेशन नहीं समझते हो, लिखे हुए को नहीं समझ पाते हो, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हो, तो सीटेट में भूल करके भी लैंग्वेज वन में इंग्लिश को ना लें। वहां पर आपको लैंग्वेज वन के रूप में हिंदी का चुनाव करना होगा। किसका चुनाव करना होगा? हिंदी का चुनाव करना होगा। तो यहां पर इंग्लिश कब चुननी है? जब आप इंग्लिश में कन्वीनियंट हैं। और अगर इंग्लिश में कन्वीनियंट नहीं है तो फिर आप हिंदी को या जिस भाषा में आपकी रुचि हो, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, तमिल है, पंजाबी है, ओडिसी है, स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी भाषाएं बदलती रहती हैं, उस भाषा का आप चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज टू में कौन सी भाषा ली जाए। तो लैंग्वेज टू में वो भाषा आप चुनाव करेंगे, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर हिंदी, संस्कृत, इसको लेकर के विवाद होता है, और एक जो विवाद में रहती है वो आपकी रहती है उर्दू, सॉरी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये आपकी भाषाएं होती हैं तीन। अब इनमें से आपको किस भाषा का चयन करना है, आप हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे? तो यहां पर मेरा आपको सीधा सीधा कहना है, सीधा सीधा कहना है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। तो यहां पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के रहे हैं और लैंग्वेज वन में आपने इंग्लिश का चुनाव कर लिया है, तो फिर आप लैंग्वेज टू के रूप में हिंदी का चुनाव करें, वो आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग रहेगा, उसमें आप अच्छी तरह से मार्क्स ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कन्वीनियंट नहीं रहे हैं, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है, तो भूल कर के भी सीटेट में इंग्लिश ना लें, क्योंकि इंग्लिश में जो आपका है 15 नंबर की आपकी इंग्लिश की पेडागोजी आती है, पूरी तरह से इंग्लिश में लिखी होती है, समझने में दिमाग की दही हो जाती है। सेम कंडीशन आपके इंग्लिश के दो पैराग्राफ आते हैं, काफी लेंदी होते हैं, उनको समझने में भी हालत खराब हो जाती है। तो जिसकी इंग्लिश कमजोर है, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, जो फ्लुएंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वो सीटेट में भूल करके भी इंग्लिश ना ले, उन्हें दूसरी भाषा के रूप में क्या लेना है, दूसरी भाषा के रूप में लैंग्वेज वन में उनको हिंदी लेनी है और लैंग्वेज टू के रूप में उन्हें संस्कृत लेना बेटर रहेगा। लैंग्वेज टू में क्या लें? संस्कृत लेना बेटर होगा। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, इंग्लिश आप समझ लेते हैं, पढ़ करके समझ में आती है, तो उस कंडीशन में कहूंगा लैंग्वेज वन में आप हिंदी लें और लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश का चुनाव भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ है और इंग्लिश भी आपको समझ में आती है, तो लैंग्वेज वन में हिंदी चुने और लैंग्वेज टू में इंग्लिश चुने। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जो लैंग्वेज होती है, यानी जो लिखने वाली लैंग्वेज होती है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लैंग्वेज वन में थोड़े से हार्ड टर्म्स यूज होते हैं, थोड़े क्रिटिकल टर्म्स यूज होते हैं, जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहां पर जब लैंग्वेज यूज होती है, थोड़े से सॉफ्ट टर्म्स, वैसे बहुत आसान तो कभी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े से सॉफ्ट टर्म होते हैं, ये हल्का सा अंतर होता है लैंग्वेज में। और आपके पैराग्राफ में अंतर मिलता है। जब आप बात करते हैं लैंग्वेज वन की, तो आपको दो पैराग्राफ मिलते हैं सीटेट में, तो यहां पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा गद्य में और एक मिलेगा पद्य में, यानी एक मिलेगा आपको पोएट्री से और एक मिलेगा आपको प्रोज से,
एक किससे मिलेगा, पोइट्री से, और एक मिलेगा आपको प्रोज से। अब यहां पर जिस बंदे को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है उसके लिए पोइम का पैराग्राफ सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज जो हो आप उसी को लैंग्वेज वन के रूप में चुने, नेटिव लैंग्वेज ही आपको चुननी है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यहां पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपके दोनों पैराग्राफ आपके प्रोज वाले होंगे, यानी प्रोज के पैराग्राफ कंपैरेटिवली सॉल्व करने में आसान होते हैं एज कंपेयर टू पोएम्स। इसके अलावा यहां पर आपके फिगर ऑफ स्पीच होंगे, यहां पर आपके नहीं होंगे, ये हल्का सा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सीटेट में आप कोई भी भाषा चयन करते समय ध्यान रखें कि आपकी प्रोफिशिएंसी कौन सी भाषा पर है, आपकी पकड़ कौन सी भाषा पर है, जिस भाषा पर आपकी पकड़ है उसी भाषा को आप वहां पर चुनें। अच्छा, मैंने कहा है अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप संस्कृत लें, आप कहेंगे संस्कृत हमने कभी नहीं पढ़ी है, तो ध्यान रखना जो हिंदी की टर्म्स होती है ना, हिंदी की टर्म्स देख देख करके आप संस्कृत के टर्म्स को काफी हद तक क्लियर कर देते हैं, यानी हिंदी से आपको डायरेक्टली हेल्प मिलती है, चाहे वो आप संस्कृत पेडागोजी की बात करें चाहे संस्कृत के पैराग्राफ्स की बात करें। तो इंग्लिश कमजोर होने पर आप लोग सीटेट में लैंग्वेज वन में हिंदी और लैंग्वेज टू में संस्कृत का चुनाव करें, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। और भी अगर आपके लिए कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, उसके लिए हम बिल्कुल आपका अपडेट लेकर के आएंगे, आपके डाउट्स को पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू वेरी मच।